जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर से पढ़ाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये एक प्रयास है कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी के पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ 1 सूरदास का लिखित पद है। इसकी व्याख्या, इसके शब्दार्थ और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आप इसमें देखेंगे। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, राम रुद्र प्लस टू उच्च विद्यालय चास बोकारो। कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके प्रसंग के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सूरदास के पदों में श्री कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट होता है। कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। गोपियां उनके वियोग में व्याकुल हैं। कृष्ण उन्हें समझाने के लिए अपने ज्ञानी मित्र उद्धव को भेजते हैं। गोपियों से उद्धव की यह बातचीत सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में संकलित है। उनके कुछ पदों को प्रस्तुत पाठ में लिया गया है। तो आइए अब हम इसके पहले पद को पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागड़ी बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यो भागी। जैसा कि आपने देखा यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में लिखे होने के कारण इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जो आपके लिए कठिन हैं और जिनका अर्थ जानना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले इसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ, पहला बड़भागी अर्थात भाग्यशाली, अपरस अर्थात अछूता यानी कि जिसका स्पर्श न किया गया हो, तगा यानी धागा, नाहिन यानी नाही, अनुरागी अर्थात प्रेम का अनुभव करने वाला, पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता, दागी यानी दाग या धब्बे, ताकों यानी उसको, बोरियो यानी डुबोया, पागी यानी लिपटी हुई। उधो तुम हो अति बड़भागी, गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। यहाँ पे वे उन्हें बड़भागी यानी कि भाग्यवान कहने के पीछे उन्हें यह बताना चाहती हैं कि तुम बड़े ही अभागे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुमने स्नेह के धागे का कभी स्पर्श ही नहीं किया, नाहीन मन अनुरागी और ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई प्रेम की अनुभूति है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, यहाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना वो कमल के पत्ते से कर रही है यानी कि पुरैनी पात से कर रही हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार पुरैनी पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन जल की एक भी बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती है, उस पर कोई दाग नहीं लगा पाती है, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी। और अगला उपमान देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की गागरी यानी कि तेल से भरी हुई मटकी अगर जल में रख दी जाए तो जल की एक भी बूंद उस तेल को छू नहीं पाती, ठीक इसी प्रकार कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो।
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कृष्ण के समीप रहकर भी तुमने उनके प्रीति की नदी में अभी तक अपना पैर तक नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी आंखों में कोई अनुराग या कोई प्रेम दिखाई देता है। सूरदास अबला हम भूली। अब गोपियां कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि ये गोपियां अपने विषय में कहती हैं, अपने प्रेम के विषय में कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, गुर चाटी ज्यो पागी, और कृष्ण के प्रेम में वैसे ही लिपटी हैं जैसे गुर चींटी से लिपटी हुई रहती है। यानी आप उसे कितना भी अलग करें, वह गुर से चींटी को अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले ही पंक्ति में गोपियां जब बात करती हैं तो वो उलाहना देती हैं, यानी कि व्यंग करती हैं। इसके बाद वहाँ वो दो चीज़ों से उद्धव के व्यवहार की तुलना करती हैं, पुरैनी पात यानी कमल के पत्ते से और तेल की गागर से, और उसके बाद वो अपने प्रेम की तुलना या अपने प्रेम का वर्णन गुर और चींटी के रूप में करती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दो अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, उपमा और रूपक। अपरस रहत स्नेह तगाते हैं यहाँ पर, और साथ ही प्रीति नदी, इन दो जगहों पर रूपक अलंकार है। क्या आप जानते हैं रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ हम उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं कर पाते वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रीति रूपी नदी, उन्होंने सीधे ही कहा कि प्रीति नदी। इसी तरह आप देखिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि स्नेह रूपी बंधन, उन्होंने सीधे ही कहा है स्नेह बंधन। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार गुर चाटी ज्यो पागी। आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने गुड़ के साथ चींटी जिस तरह लिपटी हुई रहती है, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने प्रेम की तुलना की है, तो इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस पद में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? ब्रज भाषा। आप अपने दिए हुए उत्तरों को यहाँ बताए गए उत्तरों के साथ मिलान भी करें, और अगर कहीं पर आपका उत्तर गलत होता है तो इस प्रश्न से उस सही उत्तर को सीखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, इस पद के रचयिता कौन है? सूरदास। तीसरा प्रश्न, गोपियों का उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे क्या भाव निहित है? व्यंग। गोपियां उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे व्यंग करती हैं। दरअसल वो ये कहना चाहती हैं कि तुम तो बड़े अभागे हो, क्योंकि कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण का प्रेम तुम्हें प्राप्त नहीं है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? कमल के पत्ते से और जल में पड़ी तेल की गगरी से, क्योंकि कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी जल की कोई बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती, और इसी प्रकार तेल की गगरी अगर जल में रखती जाए तो तेल की बूंद को जल का एक भी बूंद स्पर्श नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं, इसलिए उद्धव के व्यवहार की तुलना इन दोनों चीजों से की गई है। गोपियों के प्रेम को किसके समान बताया गया है? हाँ, गुर और चींटी के समान, क्योंकि गुड़ में हमेशा चींटी लिपटी हुई रहती है, उसे कितना भी अलग करो फिर भी वह गुड़ के समीप चली ही जाती है। गोपियां अपने प्रेम को ठीक उसी तरह मानती हैं। धन्यवाद। तो इस तरह आपने अभी सूरदास का पद संख्या 1 पढ़ा है। आगे के वीडियोस में हम बाकी के पदों को भी पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ते हुए इसके साथ साथ इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, प्रश्नों के उत्तर दें
और अगर कहीं पर कोई समझ नहीं बन पाती है तो आप कमेंट